बड़ी खबर सामने आ रही है, सचिंडी हादसे के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने बसों की चेकिंग करना शुरू कर दिया है, वहीं चेकिंग में ओवरलोड बसों को अब सीज कर दिया जाएगा। अवस्था के NH 86 में चेकिंग अभियान ये लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि बीते दिन जो कानपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था, उसके बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो बस ओवरलोडिंग करके यात्रा पे चल रही है, उन पर पुलिस अपनी सख्ती बरत रही है और साथ में लगातार पुलिस NH पर लगातार ये चेकिंग अभियान चला जा रही है। तो लगातार बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको कानपुर से बता रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सांसद मेनका गांधी का 4 दिवसीय दौरा। सांसद का आज से 4 दिवसीय दौरा, आज शाम सुल्तानपुर पहुंचेंगी सांसद, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी सांसद, 13 जून को दिल्ली वापस होंगी सांसद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसद मेनका गांधी 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मेनका गांधी का आज से 4 दिवसीय दौरा है, आज शाम सुल्तानपुर पहुंचेंगी सांसद मेनका गांधी, वहीं कई कार्यक्रमों में मेनका गांधी शामिल होंगी, 13 जून को दिल्ली वापस होंगी सांसद। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसद मेनका गांधी का आज से 4 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। सांसद का आज से 4 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। आपको बता दें आज शाम सुल्तानपुर पहुंचेंगे सांसद। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर राजधानी में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। लगातार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। आपको बता दें बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, उमस भरी गर्मी से लोगों को अब काफी राहत मिल रही है। तो लगातार बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर लगातार राजधानी में मौसम ने करवट ले ली है और लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको बता दें कि लखनऊ वासियों के लिए राहत की बात है, भीषण गर्मी से जिस तरह से लोग परेशान थे काफी दिनों से, वहीं अब जिस तरीके से मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, इससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आज, केरल में पंपों पर दिए जाएंगे टैक्स के पैसे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दावों में इजाफा होता जा रहा है, उसको देखते हुए अब कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको बता दें कि केरल में पेट्रोल पंप पर टैक्स के पैसे दिए जाएंगे। तो जिस तरीके से सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल के दावों में इजाफा करती जा रही है, उसको देखते हुए अब कांग्रेस प्रदर्शन शुरू कर रही है। इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 16 जून से पर्यटन स्थल अनलॉक करने की तैयारी, प्रोटोकॉल का पालन कर पर्यटन स्थल खुलेंगे, एक बार में सिर्फ 100 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। तो बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे इस वक्त की, जहां पर 16 जून से पर्यटन स्थल अनलॉक करने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, प्रोटोकॉल का पालन कर पर्यटन स्थल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ते गए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि जितने भी पर्यटन स्थल है उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन अब जिस तरीके से केसेस कम होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि 16 जून से अब पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए सरकार ने पर्यटन स्थल पर रोक लगा दी थी, जिससे कि कोविड केसेस कम हो सके, लेकिन अब जिस तरीके से केसेस कम होते जा रहे हैं, 600 से कम केसेस है, अब उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि 16 जून से अब पर्यटन स्थल को खोल दिया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मच जाएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।